ज्ञान विधि के टाइम मैक्सिमम बेनिफिट के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए इन्हें? कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन से बैठना चाहिए और हमारा भाव सबसे इस लाइफ का तो क्या अनंत लाइफ का टॉप में टॉप दिन हमारा यह है कि जहाँ हमको आत्मा प्राप्त होने वाला है, तो इस दिन के लिए हमको तो कितना उल्लास, कितना आनंद, कितना ये होना चाहिए, बस उसी की ज़रूरत है। जितना आपको उल्लास होगा, हो होगा, धन्य धन्य लगेगा ये दिन के लिए, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आएगा, अटेंशन पुलिया। कुछ क्रिया तो नहीं करवाते हैं हम आपसे, सिंपल है। ज्ञान विधि में आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, एक दूसरे से किस तरह से अलग है, ये वेदक ज्ञान के वाक्य आपको हम बुलवाते हैं, हम बुलवाते हैं आपको, रिपीट करने का है, सेम आपको बोलने का है। शब्द तो सिर्फ माध्यम है, आत्मा जगाने के लिए शब्द तो सिर्फ माध्यम है, इसके अलावा और कोई तो माध्यम है ही नहीं अपने पास। लेकिन असल में आपको जो प्राप्ति होती है, आत्मा जागृत होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह लक्ष्य आता है, वह ज्ञान है, उसकी कीमत है। और वह कोई एक्चुअली शब्द से तो नहीं हो सकता है, उस शब्द के पीछे जो अनुभव ज्ञान का निचोड़ है वो कृपा से होता है। इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। बुद्धि और आत्मा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि बुद्धि संसार का ही बताएगी, कहेगी ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ, तो फिर मेरे मुझे ये सब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष क्यों घिरे हुए है, चिंता टेंशन क्यों होता है, ये सब होता है, यानी जानता तो नहीं हूँ, सिर्फ मानता हूँ कि मैं जानता हूँ, दरअसल में नहीं है। यानी बुद्धि को कहना बाजू में बैठ, दादाजी तो कहते थे कि बुद्धि को कहना तू मायके चली जा, दूसरे दिन आना, आज मत आ। बहुत तेरा सुना, अभी मेरा आत्मा कर्म सुनने दो।